नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे दैनिक हरियाणा आईसीटी मीडिया में। सर, जैसा कि बात करते हैं कि आपने अभी तक का जो आपका कैरियर रहा है बहुत बढ़िया रहा है, देख रहे हैं, और आपसे बहुत कुछ लोगों ने सीखा भी है, बहुत सारे लोगों ने। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाकर के बात करना चाहूँगा कि आपने जो अपना RPS की जो संस्था को एक बड़ा रूप दिया है, सर थोड़ा सा दो लाइन इसके बारे में बताएंगे सर प्लीज़। देखिए, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन की बहुत कमी थी। जी सर। इट वॉज कंसिडर्ड टू बी एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। जी। वह फरियाद 1977 में मैं डिफेंस सर्विसेज की जॉब करके, जी सर, मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, वकालत की थी, और 98-99 में मैंने यहाँ के लोगों से, एजुकेशनिस्ट से बात करके उनकी सलाह लेकर और आसपास के गांवों में घूमकर मैंने देखा कि हमारे ज़िले में एजुकेशन का स्तर बहुत निम्न था। तो मैंने विचार करके एक स्कूल की स्थापना की 98-99 में, और उस स्कूल का नाम रखा हमने राव प्रहलाद सिंह पब्लिक स्कूल RPS। जी जी सर। उसके बाद हमने 135 बच्चों के साथ अपना सफ़र शुरू किया था। जी। हमारे बच्चों ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे अभिभावकों ने और हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की, और उस मेहनत का आज नतीजा है, वी हैव मोर देन 36,000 स्टूडेंट्स इन RPS स्कूल। इन RPS स्कूल एंड विभिन्न ब्रांचों में हैं। विभिन्न ब्रांचों में, जिसमें कॉलेज भी आ गए, स्कूल्स भी आ गए। हमारे पास 11 स्कूल्स हैं और 6 कॉलेजेस हैं। जी। उनमें 36,500 बच्चे हैं, एंड वी हैव मोर देन 6,000 पर्सन्स वर्किंग अलोंग। आई डोंट कॉल देम माई एम्प्लॉइज, वो मेरे सहयोगी हैं, और उन सहयोगियों ने मेरे साथ मिलकर काम किया। और सर, जैसा कि ये दौर रहा, एक संघर्षशील दौर रहा होगा, तो मैं एक संघर्षशील दौर के बारे में ही, आपका जो 136 बच्चों से और आप 36,000 बच्चों तक पहुंचे हैं, तो ये संघर्ष कितना कड़ा रहा है आपका, क्या कुछ परेशानियां, अंधकार? मैं आपको बताऊं, राइट डायरेक्शन में जी, इंटेलिजेंटली से अगर कोई मेहनत करेंगे, यस सर, और ईमानदारी से मेहनत करके भगवान के प्रति समर्पित होकर अपने बच्चों, अपने एजुकेशन के प्रति समर्पित होकर जो आदमी काम करेगा, मैं समझता हूँ कि ईश्वर उसको सफलता जरूर देगा। और मुझे भी हार्ड वर्क का फायदा मिला और परमात्मा ने मुझे इस स्टेज तक पहुँचाया। जी। जैसे कि आज के दौर में देखते हैं सर, पूरे भारत में ही नहीं, एशिया में भी एक तरह से RPS का प्रचंड लहराया हुआ है, और दिन हर साल या हर 2-3 साल में एक नई ब्रांच आप ओपन कर रहे हैं। क्या आप एजुकेशन को एक बहुत ऊंचे पायदान पर लेके जाना चाहते हैं या कोई? देखिए सर, कौशल ये है कि किसी भी स्टेट, किसी भी देश, किसी भी समाज में अगर वो एजुकेशनली फॉरवर्ड ना होगा, अगर एजुकेशनली बहुत अच्छे नहीं होंगे, अगर वहाँ के नागरिक जो है बहुत अच्छे एजुकेटेड नहीं होंगे, तो समाज, वो देश, वो प्रदेश कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। जी। उसके लिए हमने सबसे मिलकर, हमारी सरकार का भी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे BJP की सरकार थी, चाहे चौटाला साहब की सरकार थी, सभी ने प्रयास किया कि हम एजुकेशन को आगे लेके बढ़े, और हमने प्रयास किया, मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, और हमारा प्रयास जो था वो ये नहीं था कि जैसे सारे दिन किसी काम के लिए लगे रहो, जब तक प्रॉपर प्लानिंग ना हो, जब तक आपका विजन ना हो, जब तक आपका मिशन ना हो, तब तक आपको प्रोग्रेस नहीं मिलेगी, प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी, उन्नति की कागार को आप नहीं देखेंगे। सर, अभी जैसे कि आप उत्तर भारत में अपना ये हरियाणा में इतनी फैला रहे हैं, क्या आप पूरे भारत में इस तरह की संस्थाएं आप? हमारी, हमारा प्रयास होगा, हमारी योजनाएं हैं कि हम इस देश की हर राजधानी में जी एक एक RPS का स्कूल खोलें। जी। और अपने स्कूल का नाम करें, और हमारा प्रयास है कि हमारी मेहनत से
अगर बाकी प्रदेशों के बच्चे भी एजुकेशनली आगे आते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है जी। जैसे कि बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी को लेकर के भविष्य में कोई अपने आरपीएस के नाम से यूनिवर्सिटी के भी देखिए एज पर यूनिवर्सिटी इज कंसर्न हमने पेपर सारे तैयार कर लिए हैं। आरपीएस यूनिवर्सिटी का नाम के हमने पेपर सारे तैयार कर लिए हैं और अगर ईश्वर की कृपा रही तो हम कमिंग सेशन में या उससे अगले सेशन में जी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए अपनी दरखास्त लगा दें। ओके सर, जैसे कि अभी बात करते हैं स्कूल में जो एजुकेशन जो फिलहाल चली है, कोविड 19 का जो सिस्टम चला हुआ है इसके दौरान बच्चों की जो पढ़ाई के ऊपर जो असर पड़ रहा है, कहाँ तक ये सही है या गलत है सर? देखिए मैं आपको बच्चों को जब क्लास के अंदर आते हैं जी, बोर्ड के ऊपर क्लास में अपने सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखा है, उस समय टीचर का उनके बिल्कुल सम्मुख होना, उनके सामने होना और उनसे अपने सवाल पूछना वो बात डिफरेंट है। ये ठीक है, अब कोई चारा भी नहीं है। इस कोरोना महामारी में बच्चों को तो हम इकट्ठा कर नहीं सकते, तो उसमें जो ऑनलाइन जो स्टडीज हैं मैं समझता हूँ सारी दुनिया में चल रही, हमारा भी प्रयास है कि ऑनलाइन हम स्टडीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दें, बहुत ही इस प्रकार दें कि ताकि बच्चों को अच्छी तरह से उनके समझ में आए जी जो टॉपिक पढ़ाया जाता है। उसके साथ बच्चों को हम मोटिवेट भी करते हैं जी कि अगर इसी तरह हालात चलते रहे देश में तो हो सकता है कि हमें कोरोना के साथ जीना पड़ेगा और हमारी स्टडीज़ और हमारी एजुकेशन ऑनलाइन पता नहीं कितने दिन तक चलेगा जी। बच्चों को नुकसान तो हुआ है जी, स्पेशली छोटे बच्चों को, छोटे बच्चे जो बोर्ड के ऊपर या क्लासरूम में जो सीख सकते हैं वो ऑनलाइन इतना नहीं सीख सकते जी। जैसे की बात करते हैं आपने सर, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट निकाले हैं, देख रहे हैं आए दिन हम पेपर में देखते हैं, न्यूज़पेपर में खबरें भी सुनते हैं, तो इनके पीछे क्या लॉजिक है सर जो बहुत बेस्ट रिजल्ट हैं ना इसके माध्यम? देखिए मैं आपको, हमने जैसे पिछली बार नीट में 481 बच्चे दिए जी, जिसमें से 72 बच्चे, एग्जैक्टली तो मुझे ध्यान नहीं लेकिन मुझे लग रहा है कि 72 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गए थे जी और प्राइवेट कॉलेज में और बहुत बच्चे गए। इसी प्रकार IIT JEE मेंस में हमारे 362 बच्चे थे और एडवांस में हमारे 67 स्टूडेंट्स थे जी। जहाँ तक NDA का सवाल है, NDA में हमारे पिछली बार 91 स्टूडेंट्स थे, इस बार क्योंकि कोरोना की मार थी बच्चों को हम उतनी शानदार तरीके से उनको उनकी कोचिंग नहीं करवा सके यानी उनकी तैयारी नहीं करवा सके, इस बार हमारे 60 बच्चे आए, लेकिन 60 बच्चे मैं समझता हूँ किसी एक ग्रुप से एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी। इसी प्रकार IIT JEE का एग्जामिनेशन होता है जिसमें बच्चे BSc के बाद MSc IITs में करते हैं, वो भी हमने बच्चों की बहुत तैयारी करवाई और 54 बच्चे पिछली बार, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ द कंट्री, 54 स्टूडेंट्स ने IIT JEE क्लियर की और अलग अलग IIT में उन्होंने एडमिशन की। मैं समझता हूँ कि देश की कोई एकाध यूनिवर्सिटी होगी जिसने इतने बच्चे IIT JEE में दिए होंगे। हमारा एक कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज से हमने 54 बच्चे दिए हैं, एक बहुत ही रिमार्केबल रिजल्ट है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है बहुत सारा जी। एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने सर बहुत एक बड़ा योगदान दिया है अपनी लाइफ का, तो अभी जो बच्चे कोविड के दौरान जो घर पे रह रहे हैं, पता नहीं स्कूल तो कब लगे, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मेरे सम्मानित भाई, हमारे बच्चे इन हालात में जिसमें पढ़ रहे हैं, कोविड के हालात में जो पढ़ रहे हैं, मैं अपने बच्चों को एडवाइस करूंगा, मैं अपने बच्चों को सलाह दूंगा कि वो अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, इस देश के लिए अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए, इस देश के लिए उन्नति के लिए उनको
मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और हमने एक और भी साथ साथ प्रक्रिया शुरू की है जी। कोविड कुछ कम होने के बाद हमने अपने टीचर्स को कुछ बच्चों की जो शिकायतें थी ताकि उनकी समझ में नहीं आता है, हमने अपने टीचर्स को उनके वहाँ पर भेजा है। कोविड की सारी सावधानी बरतते हुए, मास्क लगाते हुए, 2 गज की दूरी पे रहते हुए उन बच्चों को भी गाइडेंस दिए, उनको समझाने का भी प्रयास किया। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इन्हीं हालात में मेहनत करनी पड़ेगी और कोशिश ये करो जो बात आपकी समझ में नहीं आए, जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आए उसके बारे में आप अपने टीचर्स से पूछें। हम अपने टीचर्स को कोशिश करेंगे कि आपकी सारी जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करेंगे और हमारे प्रयास होंगे कि ऐसे मुश्किल हालात में भी हम अपने बच्चों को अच्छी मेहनत करवाकर उनको योग दें। सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती हुई जा रही है, दिन प्रतिदिन आधुनिक सिस्टम बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ऐप भी आ रहे हैं ऑनलाइन, आपने ऑनलाइन का जो प्रोजेक्ट चलाया भी है हुआ है ऑलरेडी से, क्या भविष्य में या फिर आ चुका है कोई ऐसा ऐप RPS का? हमारे यहाँ ऐप RPS का ऐप भी आ चुका है जी। हमने बड़े टेलीविजन सेट्स, LCD सेट्स हमने लगाए हुए हैं, उनके ऊपर भी हम कोशिश करते हैं बच्चों के क्लासरूम में, जिन बच्चों क्लासरूम से, जिन बच्चों के पास, जिन बच्चों के घरों में LCDs हैं, TVs हैं, उन बच्चों को उनसे कनेक्ट करके उसके ऊपर भी हम दिखाने का प्रयास करें। यानी कि टेक्नोलॉजी में भी आज RPS अच्छी तरह से शिक्षा दे रहा है, हमारा प्रयास जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने RPS में इंटरेस्ट लिया।